हेलो एवरीवन वेलकम टू योर कम्युनिकेशन कोच एंड वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम टू इंटरमीडिएट लेवल ऑफ स्पोकन इंग्लिश क्लासेस वेयर वी आर गोइंग टू चेक आउट विथ सेक्शन इट इज क्विक बाइट्स क्विक बाइट्स लाइक द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेक्शन दैट वी हैव एंड ह्योर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू कॉम्प्लीमेंट समन ना ऑब्वियसली कभी कोई अच्छा लग रहा होता है तो कभी कोई अच्छा दिख रहा होता है कभी किसी ने कुछ आपके लिए अच्छा किया होता है कभी कोई इंसान ही अच्छा होता है सो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन कॉम्प्लीमेंट लेकिन हमारे कॉम्प्लीमेंट होते हैं यू आर नाइस यू आर ब्यूटिफुल यू आर प्लेटी और यू आर गुड इसके आगे हमारी गाड़ी आगे बढ़ती ही नहीं है तो क्या होता है और वैसे भी जब आप किसी को फिजिकल बेसिस पे कॉम्प्लीमेंट करते हो कि यार हाँ 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 आर लुकिंग यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन जब आप किसी को किसी की पर्सनालिटी पर कॉम्प्लीमेंट करते हो किसी के नेचर पे कॉम्प्लीमेंट करते हो किसी के कैरेक्टर पे कॉम्प्लीमेंट करते हो तो ये कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं ये काफ़ी दूर तक जाते हैं सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू कॉम्प्लीमेंट सम ताकि आपकी जो बात है वो सामने वाले के दिल तक चली जाए और वहाँ जाके रह जाए ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिल तक गई और वहाँ से निकल ली जाना भी है और वहाँ पर रहना भी है सो so, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंटिंग पॉजिटिविटी सो देर आर सर्टन पीपल जिनको देख के ही अच्छा लगता है जिनको देख के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है जिनको ऐसा लगता है कि हाँ यार इनके साथ रहना है क्यों क्योंकि उनका और जो होता है वो बहुत पॉजिटिव होता है क्योंकि उनके उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है राइट right? कुछ ऐसे लिथार्जिक पड़े होते हैं अरे यार काम हो जाएगा यार तुम कर लो यार ऐसे वाले लोगों के पास कोई ज़्यादा नहीं ही रहना चाहता राइट right? सो so, अगर कोई बहुत पॉजिटिव इंसान है हाउ कैन यू कॉम्प्लीमेंट द पर्सन ज कंटेजियस ना किसी की स्माइल अगर बहुत अच्छी है, है कुछ होते हैं कुछ लोग जैसे स्माइल करते हैं ना तो आपको ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है सो so, अगर ऐसा कोई मिले आपको तो वॉट वुड यू से योर स्माइल इज कंटेजियस इसका मतलब तुम्हारी जो स्माइल है ना उसको देख के ऑटोमेटिकली सब स्माइल करने लग जाते हैं इट्स सो प्रिटी ओके ओह यू लाइट ऑफ द रूम कोई आता है कुछ लोग होते हैं जो पार्टी की जान होते हैं मतलब उनके जब तक वो नहीं आते ना तब तक एवरी इज वेरी बोरिंग लाइक एकदम सड़ा हुआ लेकिन जैसे ही वो आते हैं तो पूरे रूम में रौनक आ जाती है सो यू कैन से यू लाइट ऑफ द रूम मतलब तुम पूरे रूम में उजाला कर देते हो यू हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर ऑलवेज रिमेम्बर इफ़ दर इज अ पर्सन जिसका ह्यूमर बहुत अच्छा है सेंस ऑफ ह्यूमर जिसका बहुत अच्छा है डू नॉट हेजिटेट जस्ट कॉम्प्लीमेंट द पर्सन इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग हर किसी के पास नहीं होता कुछ लोग एकदम जिन लोगों को जॉक को आप पोस्टमार्टम करके बताना पड़ता है भाई मैंने ये जोक मारा था इसमें यहाँ हंसना था और ऐसे लोग बहुत इरिटेटिंग होते हैं सो इफ द पर्सन हैज अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर वाई नॉट टू कॉम्प्लीमेंट द पर्सन जस्ट कॉम्प्लीमेंट यू हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर देन यू आर लाइक सनशाइन ऑन रेनी डे ना रेनी डे कैसा होता है ओके वी लव रेन्स लेकिन इट्स ग्लूमी है ना डार्क इज नो सनशाइन सो इसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आप सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो कि तुम ना एक रेनी डे में ना एक सनशाइन की तरह हो मतलब पूरा ग्लूमी है डार्क डार्क है उसमें तुम एक उजाले की तरह हो यू ब्लिंक आउट द बेस्ट इन अदर पीपल देर आर सर्टन पीपल जो ना आपसे जब बात करते हैं तो आपको अच्छा बनने का मन करता है आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे भी ऐसा करना है आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है यू फील डिटरमाइंड यू फील परसिस्टेंट सो ऐसे लोगों के लिए आप कह सकते हो कि ना यू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन पीपल क्योंकि जो लोग अच्छे होते हैं उसके साथ लोग भी अच्छा होना चाहते हैं कलर सीम ब्राइटर यू आर अराउंड कि जो कलर्स हैं मतलब जब तुम आते हो जब आपका मूड अच्छा होता है चलो एक सिंपल से एग्जांपल जब आपका मूड अच्छा होता है आपको सब कुछ अच्छा लगता है अपने आसपास फ्लावर्स भी अच्छे लगते हैं पत्तियां भी अच्छी लगती है एवरीथिंग इज प्रटी लेकिन जब आपका मूड अच्छा नहीं होता तो आपको कोई इतना बड़ा भूखे भी ला के दे देते तो आप उसको ऐसे ही देखोगे राइट सो so, इसीलिए कहा गया है कि जैसे कोई है इंसान जो बड़ा प्यारा है तो आप बोलोगे तुम्हारे आसपास तो कलर्स भी ब्राइटर लगते हैं कलर्स सीम ब्राइटर वेन यू आर अराउंड बेस्ट इट फाइंडिंग सिल्वर लाइनिंग्स वट इज द मीनिंग ऑफ सिल्वर लाइनिंग सिल्वर लाइनिंग्स का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम में भी कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेना सब लोग प्रॉब्लम में हैं सब ने सड़ा फेस बनाया हुआ है लेकिन कोई एक पर्सन है जिसने बोला कोई बात नहीं ये हुआ है तो देखो इसके इससे कम से कम ये अच्छा हो गया या फिर इसकी वजह से हम ये कर सकते हैं तो जो सिल्वर लाइनिंग का मतलब जैसे हम बोलते हैं ना एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग इसका मतलब हर कुछ नेगेटिव में देर इज समथिंग पॉजिटिव सो यू आर ग्रेट एट फाइंडिंग सिल्वर लाइनिंग्स विच मीन्स तुम हमेशा हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ ही लेते हो नाउ द नेक्स्ट वन इज किसी की पर्सनालिटी को कॉम्प्लीमेंट करना अब वो कैसे दोगे यू ऑलवेज नो वॉट टू से टू मेक मी फील बेटर कोई है जो अच्छा फील नहीं कर रहा लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारी लाइफ में उनके प्रेजेंस से ही हमें अच्छा लग जाता है वो हमेशा ऐसा कुछ कह देते हैं कि आपका जो एकदम सड़ा सा फेस बनाया हुआ है ना उस पर भी आ जाती है एक हंड्रेड वोट की स्माइल राइट देन यू कैन से यू ऑलवेज नो हाउ टू मेक मी फील्स बेटर और हाउ टू मेक मी स्माइल बींग अराउंड यूज लाइक अ हैप्पी लिटिल वेकेशन आई लव दिस कॉम्प्लीमेंट मतलब जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं ना एक लिटिल वेकेशन पर हूँ वेकेशन क्या होती है यू आर फ्री यू आर हैप्पी एंड यू हैव नो स्ट्रेस राइट दैट्स अ वेकेशन तो जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ इट फील्स लाइक अमर ऑन अ हैप्पी लिटिल वेकेशन यू हैव इम्पेकेबल मैनर्स ओ वाओ सो इफ देर अ पर्सन जिसके मैनर्स बहुत अच्छे हैं सो so इम्पेकेबल हम ऑलरेडी वर्ड ऑफ द डे में पढ़ चुके हैं इसका मतलब होता है फ्लॉलेस जिसमें कहीं कोई गलती आप निकाल ही नहीं सको तो आप क्या बोलोगे यू हैव इम्पेकेबल मैनर्स आई लाइक योर स्टाइल सिंपल आई लाइक योर स्टाइल डाइज ऑल्सो रिमेंबर दस नॉट नेसेसरी हाँ कि कोई ने तुम्हें कॉम्पलीमेंट दिया तभी आप उसको कॉम्प्लीमेंट करो इट इज ओके अगर आप किसी के लिए कुछ फील करो जस्ट सेठ कॉम्प्लीमेंट्स देना लोगों ने बहुत कम कर दिया है बहुत सारी कंजूसी करते हैं आजकल कॉम्प्लीमेंट देने में तो कोई अच्छा लगे ना तो बता देना चाहिए यू आर ब्यूटिफुल ऑन द इन साइड एंड आउटसाइड मतलब तुम सिर्फ बाहर से ही खूबसूरत नहीं तुम अंदर से भी खूबसूरत हो मतलब इट्स नॉट द जस्ट द आउटर ब्यूटी बट ऑल्सो योर कैरेक्टर योर पर्सनैलिटी योर इनर ब्यूटी यू आर अ ग्रेट लिसनर अरे यार ये तो बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट है आजकल ना ज्ञान देने वाले आपको भर के मिलेंगे जिसको देखो वो ज्ञान पेल जाए लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं जो आपकी बात सुनते हैं बहुत कम मिलते हैं और अगर कोई आपकी बात ध्यान से सुन जाए फिर वो आपकी बात समझ भी रहा है मतलब ऐसा नहीं कि पूरा सुन लिया शटर डाउन करके है ना मेरी मम्मी कभी कभी ये काम करती है मैं उनको पूरी कहानी बता देती हूँ ऐसा लगता है वो अंदर क्या भजन गा रही है उन्हें पता ही नहीं होता मैंने बोला क्या है सो गुड लिस्टनर लेकिन कुछ ऐसे आपके दोस्त होते हैं जो बहुत अच्छे से आपकी बातों को सुनते हैं तो आप उसके लिए कह सकते हैं okay? cool जो है ना वो जेलस है क्योंकि तुम इतने कूल हो देर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स मेक यू रियली इंटरेस्टिंग या तुम्हारे बारे में कोई एक और दो बातें नहीं है इतनी सारी बातें ना जो तुमको काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देती कितना अच्छा कॉम्प्लीमेंट है फिर सामने वाला डेफिनेटली पूछेगा क्या फिर तुम अपने आप को इलाबरेट कर सकते हो यू आर इंस्पायरिंग एंड सो थॉटफुल जैसे आप अपने टीचर को कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हो या आप अपने एक ऐसे कलीग को कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हो जिसका काम देख के आप बहुत प्रभावित हो तो आप क्या बोलोगे यू आर इंस्पायरिंग मतलब तुम्हें देख के मैं इंस्पायर होता हूँ तुम्हें देख के मुझे सीखने को मिलता है तुम कितने थाटफुल हो मतलब तुम लोगों के लिए कितना सोचते हो when you make up your mind nothing stands in your way अगर कोई इंसान है जिसके determination जो है वो commendable है मतलब जिसने ठान लिया ना तो बस ठान लिया उसको क्या कॉम्प्लीमेंट करोगे अगर तुमने एक बार ठान लिया फिर तो तुम्हारे रास्ते में कोई नहीं आ सकता you when you make up your mind मतलब जब तुम एक बार अपना मन बना लेते हो nothing stands in your way तब तुम्हारे रास्ते में कोई नहीं आ सकता ये इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि यू आर कॉम्प्लीमेंटिंग द द पर्सन पर्सन एज एज वेल मोटिवेटिंग नाउ किसी की इंटेलिजेंस और किसी की क्रिएटिविटी को कॉम्प्लीमेंट करना है तब आप कैसे कर सोशल मीडिया पे आपको बताना है यार कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है या कोई भी कॉम्प्लीमेंट करना ऑन द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी हाउ वुड यू से दैट यू आर अ स्मार्ट स्मार्ट कुकी कुकी का मतलब होता है स्मार्ट पर्सन ज इंटेलिजेंट यू आर अर स्मार्ट कुकी, कितना इजी है और कितना इंटरेस्टिंग है जैसे एक डिस्कशन चल रहा है लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं तो अगर किसी ने आपको एक ऐसी राय दी जो आपको लगा यार हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था और ये कितना अच्छा लुकआउट है तो आप क्या बोलोगे तुम्हारा जो पर्सपेक्टिव है मतलब तुम्हारी जो सोच है तुम्हारा जो नजरिया है इट इज रिफ्रेशिंग मतलब इट्स नॉट बोरिंग एंड मंडेन बहुत ही नया है अलग है और रिफ्रेशिंग है हाउ डू यू नो सो मच अबाउट एवरी थिंग आई हैव अ फ्रेंड उससे किसी भी बारे में बात उसे पता होता है मतलब आप पॉलिटिक्स डिस्कस कर लो आप स्पोर्ट्स डिस्कस कर लो आप सब्जेक्ट डिस्कस कर लो आप सब्जेक्ट्स डिस्कस कर लो हाँ इंग्लिश में मैं थोड़ा बेटर हूँ लेकिन उससे जो पूछो वो उसको आता है सो समटाइम्स आई हैव अ क्वेश्चन हाउ डू यू नो अबाउट एवरी थिंग एंड दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट ट्रस्ट मी यू आर ऑलवेज लर्निंग न्यू थिंग्स एंड ट्राइंग टू बटर योर सेल्फ दैट्स ऑसम ना दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट दैट आई गिव टू माई स्टूडेंट्स आप ना अगर लाइफ टाइम एक स्टूडेंट रहोगे ना तो आप लाइफ टाइम खुश रहोगे लेकिन जिस दिन आपको लगेगा ना कि अरे मेरी तो पढ़ाई हो चुकी है आप मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है उस दिन आपकी लाइफ भी रुक जाती है ऑलवेज रिमेम्बर अ पर्सन हू यर्नस टू लर्न मतलब उसको सीखने की बहुत ज़्यादा क्यूरियासिटी है हर चीज़ जानने की बहुत क्यूरियासिटी है वो कभी बुरा नहीं होता एक बहुत पते की बात बता रही हो। तो सीम्स लिमिटलेस कोई है जो आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छा है या बहुत beautiful paintings बनाता है, पॉटरी में बहुत अच्छा है और लेट्स से म्यूजिक में अच्छा है डांस में बहुत अच्छा है एनीथिंग लाइक दैट इन दैट केस यू कैन से शियल सीम्स लिमिटलेस मतलब तुम्हारा जो क्रिएटिव पोटेंशियल है यार उसकी कोई लिमिट भी है तुम तो आग लगा दे हो मतलब I bet you do crossword puzzles in ink. इंक Now this compliment is extremely smart. कोई इंसान जिसकी वोकैबलरी बहुत अच्छी है जिसकी लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कमांड है तो जैसे हम क्रॉसवर्ड भरते हैं ना सो क्रॉसवर्ड पजल्स जो आती है न्यूज़पेपर वगैरह में या मैगजीन्स में यूजली वी स्टार्ट यूजिंग अ पेंसिल क्यों क्योंकि कुछ गलत हुआ तो वी कैन ऑलवेज इरेज इट लेकिन वेना आई से आई बेट यू डू योर क्रॉसवर्ड पजल इन इंक इसका मतलब मैं मुझे कन्फर्म है कि तुम तो अपने क्रॉसवर्ड पजल्स पेन से लिखते हो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई तुम कितने इंटेलिजेंट होगे कि तुम्हें कोई डाउट है तुम फटाफट कर देते होगे सो यू आर एक्चुअली कॉम्प्लीमेंटिंग द इंटेलिजेंस ऑफ द पर्सन एंड इन अ वेरी स्मार्ट वे इधर पे आप सामने वाले को तो इंटेलिजेंट बोल रहे हो लेकिन अपनी स्मार्टनेस भी दिखा रहे हो एंड देन यू हैव यू हैव अ गुड हेड ऑन योर शोल्डर्स वाओ यार तुम्हारा तो दिमाग बड़ा सही है तुम तो बड़े अक्लमंद हो तो इसको आप इजीली एक तरीका है बोलने का यू हैव अ गुड हेड ऑन योर शोल्डर्स मतलब तुम्हारे जो दिमाग है वो बड़ा तेज है एवरी वन गेट्स ओनली पीपल लाइक यू गेट बैक अप अगेन एंड कीप गोइंग हर किसी की लाइफ में मुश्किल आती है लेकिन सिर्फ तुम्हारे जैसे लोग हैं जो वापस खड़े होते हैं और वापस चलना स्टार्ट करते हैं कितना अच्छा कॉम्प्लीमेंट है ना मतलब हम सामने वाले की डेडिकेशन और परसिस्टेंस को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं सो डू दैट

ट्राइंग टू मेक अ चेंज आप उसे क्या बोलोगे यू आर मेकिंग एक बदलाव ला रहे हो यू डिजर्व ऑल द क्रेडिट आर गेटिंग तुम्हें पता है जितना क्रेडिट मिल जाए ना तुम्हें वो सब कुछ तुम डिजर्व करते हो ऑल द क्रेडिट दैट योर गेटिंग यू डिजर्व एवरी थिंग वाई बिकॉज यू आर अमेजिंग यू आर अ ग्रेट एग्जाम्पल टू अदर्स तुम इतने अच्छे हो कि तुम लोगों के लिए एक उदाहरण बन रहे हो उदाहरण मतलब एग्जाम्पल योर अकम्पलिशमेंट्स आर इंस्पिरेशन टू मैनी जो तुम लाइफ में अचीव कर रहे हो ना ये बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है सो दीज आर सम रियली कूल वेज एंड नाउ वेन इट कम्स टू योर पर्सनल रिलेशनशिप्स आपके बॉयफ्रेंड को आपकी गर्लफ्रेंड को आपके पेरेंट्स को आपकी फैमिली को, को तो जो आपसे बहुत क्लोज हैं उनको कॉम्प्लीमेंट कैसे देंगे यू आर एन फ्रेंड तुम एक बहुत अच्छे दोस्त हो बींग में होते हो ना सब कुछ बहुत अच्छा होता है इट्स ग्रेट टू नो दैट यू हैव गॉट माई बैग मैं बहुत खुश हूँ ये जान के कि तुम हमेशा मेरे साथ हो यू हैव गॉट माई बैग का मतलब होता है मुझे पता है कि तुम हमेशा मेरे साथ हो यू ऑलवेज नो जस्ट वॉट टू से तुम्हें हमेशा पता होता है एग्जैक्टली exactly क्या कहना है देट इज अ रीजन पीपल आर डॉन्ट यू पता है तुम में कुछ बात है जिसकी वजह से लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ खींचे चले आते हैं द वे यू treasure your loved ones इज़ इनक्रेडिबल जिस तरीके से तुम अपनी फैमिली को अपने जिन लोगों को तुम प्यार करते हो उनको रखते हो उस, उनको ट्रीट करते हो वो बहुत ही अच्छा है एंड यू आर अ गिफ्ट दोज अराउंड यू जो तुम्हारे आसपास रहते हैं ना तुम उनके लिए एक गिफ्ट हो क्योंकि तुम इतने अच्छे हो एंड that इज़ इट नाउ लेट्स टॉक अबाउट अपेयरेंस कोई अच्छा दिख रहा है चलो उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं ओ यू हैव बिन ग्लोइंग लेटली मतलब क्या चल रहा है बड़ी ग्लो कर रही हो यू लुक ग्रेट today. आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो योर eyes आर breathtaking. टेकिंग तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। हाउ इज इट दैट यू कैन मेक एनी आउटफिट वर्क फॉर यू यार ऐसे कैसे होता है कि जो तुम पहनती हो वो तुम पे अच्छा लगता है कि क्या हुआ आजकल क्या जिम शिम चल रहा है योर हेयर लुक स्टानिंग मैं तुम्हारे बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं योर वॉइस इज़ म्यूजिक टू माई यर्स तुम्हारी जो आवाज़ है ना वो इतनी प्यारी है इसे कानों में ना ऐसे मिसरी की तरह घुल जाती है आई विश आई हैड योर नोज़ ना दिस इज़ अ वे यू कैन से आई विश आई हैड योर हेयर आई विश आई हैड योर वेस्ट आई विश आई हैड योर नोज मतलब काश्मीरी नोज तुम्हारी जैसी होती यू आर इज रेजिस्टिबल वेन यू ब्लश जब तुम शर्माती हो ना यू आर इज मतलब एंड नाउ द फाइनल थिंग अभी तो हमने कभी पर्सनैलिटी को कॉम्प्लीमेंट किया कभी उनके लुक्स को कॉम्प्लीमेंट किया कभी अकम्पलिशमेंट्स को किया लेट्स कॉम्प्लीमेंट द इंटाइ पर्सन यू आर परफेक्ट जस्ट द बी यू आर तुम जैसे हो परफेक्ट हो यू आर इनाफ तुम बहुत हो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है ऑन अ स्केल फ्रॉम वन टू टेन यू आर इन इलेवन मतलब अगर वन से टेन तक की बात करें ना मतलब तो यू आर इन इलेवन

हु एवर एज यू डिजर्वस अ मेडल फॉर द जॉब वेल डन जिसने भी तुम्हें पालपोस के बड़ा किया है उसको तो मेडल मिलना चाहिए क्योंकि उसने एक बहुत अच्छा काम किया है टाइम स्पेंड विथ यू इज़ ऑलवेज वर्थ इट जो भी टाइम मैं तुम्हारे साथ स्पेंड करता हूँ वो हमेशा यू you नो know, बहुत ही ज़्यादा सही होता है वो वर्थ होता है मतलब जितना टाइम मुझे तुमसे मिले तुम्हारे साथ मिले ना उतना वक्त जो है मेरा बिल्कुल वेस्ट नहीं होता इनफैक्ट वो यूटिलाइज होता है सो गाइज दीज आर समेज ऑफ कॉम्प्लीमेंटिंग समथिंग मैंने इतने सारे बताए हैं एक साथ किसी पे चिपका मत देना है ना बहुत दिक्कत हो जाएगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नाउ इफ यू विश कि आपका स्पोकन इंग्लिश का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए विद ऑल द सेक्शन लाइक वो कैबरी बिल्डिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देन वी हैव कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस देन वी हैव ग्रामर एंड डोंट सेट क्विक बाइट्स सो इफ यू विश कि आपका स्पोकन इंग्लिश कोर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए सो यू विल हैव टू बाय द सब्सक्रिप्शन द लिंक फॉर द सेम इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड वंस यू डू दैट सो उसके बाद क्या करना है सिर्फ बहुत सारी पढ़ाई करनी है एंड ट्रस्ट मी इंग्लिश इज गोइंग टू बी सो इजी फॉर यू यू आर गोइंग टू बी एब्सल्यूटली फ्लूंट सो वर बी वेटिंग फॉर जस्ट बाय द सब्सक्रिप्शन एंड स्टार्ट लर्निंग नाउ